हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज मैं खेलने जा रहा हूँ एक न्यू गेम सीरीज जिसका नाम है लॉस्ट इन ब्लू। गाइस, अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो प्लेन से कहीं जा रहा है, उसके साथ और भी लोग हैं। ट्रेन अचानक तूफानी बादलों में फंस जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसका इंजन ख़राब हो जाता है। और गाइस, इसके बाद वो प्लेन एक वीरान आइलैंड की चट्टानों से टकरा कर एक झील में जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें जितने भी पैसेंजर होते हैं गाइस, वो आई थिंक सारे मर जाते हैं और इस प्लेन में खाली एक सर्वाइवल बचता है। गाइस, यही स्टोरी है इसकी। और गाइस, हमें अब यहाँ से सर्वाइव करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे कैरेक्टर आ गए हैं, तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ। आई थिंक दो कैरेक्टर हैं, एक मेल एक फीमेल। तो गाइस, आजकल लोग फीमेल पसंद करते हैं तो मैं फीमेल को ही सेलेक्ट करता हूँ। चलिए गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने अपने आप को एक झील के किनारे पाया है। तो गाइस, उसे काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो सोच रहा है कि मैं कहाँ हूँ और उसे कोई सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। देखते हैं ये क्या है। पैसे उठाने के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसे उठाते हैं। एक मेडिकेट है। तो गाइस, इसे मैं डॉल करता हूँ, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्यों मैंने इसे मैं पहले लगा लूँ इसमें, जिससे मेरी ब्लीडिंग कम हो जाए। और गाइस, ये मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी ब्लड कम हो गई और इसे प्यास भी लगी है। तो ये कोकोनट है, तो क्यों ना इस कोकोनट को यूज़ किया जाए। तो ये बैकपैक में खोल के देखते हैं, बैकपैक में यूज़ हुआ है आपका कोकोनट। जैसे कि आप देख रहे हैं 26 से लेकर 45 तक हो चुका है यहाँ पर। और गाइस, मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा हमारी सेफ्टी के लिए, चाकू मिला है, इसे यूज़ करते हैं हम। वो तो इसे ऐसे पकड़ें। यहाँ पे कोई एक एयर हॉस्टेस दिख रही है। हेलो, कोई है? ओ भाई, ये तो ज़ॉम्बी बन गई है। इसे मैं धक्का दे देता हूँ। ये चाकू से इसे मुझे बाहर करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने इसे चाकू से बाहर किया है। और आई थिंक यहाँ भी कुछ है, इसे उठा के देखता हूँ। यहाँ पे भी चाकू मिला है, तो मैं इस चाकू को यूज़ करूँगा। यहाँ तो लाशें ही लाशें दिख रही हैं। जो हमारे प्लेन के यात्री थे वो गाइस सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो सब के सब मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। कोई नहीं, मेरे पास भी चाकू है, मैं भी चाकू चाकू ही मारूंगा। ये तो एक ही बार में ही चला गया। ये आई थिंक काफ़ी तगड़ा है ज़ॉम्बी, इसे मारने में टाइम लगेगा, अभी एक बचा हुआ है। ये गाइस, ये तो मेरे पे अटैक कर रहा है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। आई थिंक कोई बंदा है जो मेरी हेल्प कर रहा है। देखते हैं किसने की है मेरी हेल्प। ओ, इस लड़की ने की है हेल्प। आई थिंक ये भी इस प्लेन क्रॉस में बच गई थी, तो क्यों ना इससे पूछा जाए। तो इस लेडी का नाम है जैन और ये कह रही है मुझसे कि आप दूर रहें मुझसे। और आई थिंक ये मुझे काफ़ी संदेह की निगाहों से देख रही है। मुझे जैन का धन्यवाद करना चाहिए, उसने काफ़ी मेरी मदद की है। और पूछना चाहिए ये लोग हैं कौन। जैन ने बताया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे हैं ये, और वो मुझे पीछे आने को कह रही है क्योंकि यहाँ पे बंदूक की आवाज़ से वो लोग आ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। तो गाइस, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। जैन उसे एक घर के पास ले जाती है और उसे बताती है कि जो विमान क्रैश हुआ था उसके सारे पैसेंजर मेंटेन बन गए हैं। आगे देखते हैं मैं क्या करना होगा। आई थिंक ये चैन सॉप पड़ा हुआ है, इसे हमें पिक करना है। तो मैंने इसको पिक लिया और ऐसे एरो दिखा रहे हैं अंदर जाके। ये म्यूटेंट हैं, सबसे हमें फाइट करनी है। ओ भाई, उस चाकू से बड़े थे ये चैन सॉप है। मज़ा आ रहा है यार इसे काटने में। आ भाई, ये अभी बड़ी स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। तो ये अभी तो चार बचे हुए हैं यार, इसे काटना है। इससे मज़ा आ रहा है काफ़ी यार, उससे तो बेटर अच्छा लग रहा है ये। दूसरा मैं उठा लेता हूँ। अब देखते हैं क्या करना है। आई थिंक मुझे जैन के पास जाना है, तो चलते हैं जैन के पास। जैन बताती है कि अभी भी कैंट के पास कई म्यूटेंट बचे हुए हैं और हमें आज रात सोने के लिए इन बिजली के तारों को ठीक करना होगा। तो चलिए गाइस, मैं वायरों को रिपेयर करता हूँ। ये टूलकिट पड़ा हुआ है, इस टूलकिट को उठाता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वायर टूटे हुए हैं, तो मैं इनको रिपेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब रिपेयर हो चुके हैं। मैं वापस जैन के पास जाता हूँ। आई थिंक जैन बॉक्स को बहुत जल्दी ठीक कर रही है। जॉन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग ख़राब हो गई है, तारें एक दूसरे से उलझ गई हैं और वो राक्षस करीब आ रहे हैं। जॉन उसे
जमीन पर रखी बंदूक उठाने के लिए बोलती है और उन राक्षसों से लड़ाई करने के लिए बोलती है। गाइस बंदूक से फाइट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। ओ भाई मज़ा आ गया यार फाइट करने में। आ भाई तू भी आ, कितने राक्षस हैं, आ जा भाई, और कोई बचा है क्या? ये तो काफ़ी यार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास भी 46 गोलियाँ हैं। आ जा भाई तू भी आ जा, ए भी तू भी आ भाई, ये तो पूरी सेना की सेना आ रही है इनकी यार। म्यूटेंट हैं क्या, हैं ये? आई थिंक मुझे अब आगे जाना चाहिए, पहले से ख़त्म कर दूँ फिर देखता हूँ आगे जाके कि ये भी बचे नहीं बचे। अभी आई थिंक एक ही बचा हुआ है अभी। जॉन अभी भी बॉक्स को रिपेयर कर रही है और आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा इसे रिपेयर होने में। तब तक क्यों ना बाहर देख लिया जाए, कोई जॉम्बी तो नहीं है। आई थिंक एक और जॉम्बी और आ रहा है, पहले मैं इससे फाइट करता हूँ। इसको पहले पिक करता हूँ, एक पिक किया ना, 28 गोलियाँ थी इसमें तो अभी मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। तो अब ये तो इसका लगता है राजा है इन सबका, इनसे बड़ा है काफ़ी। देखते हैं, इनको ही मार रहा है यार, ये तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। ये तो छोटे छोटे हैं, इनको ऐसे ही मार देंगे कि गोली में। इसको देखते हैं यार, ये यार ये लगता है 2-3 गोलियों में मारेगा, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे थोड़ा बच के मरना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम हो जाएगी नहीं तो। आ भैया एक गोली और पड़ेगी तेरी भाई, बस इसके साथ बॉक्स भी रिपेयर हो गया। और इसमें देख रहे हैं आप, बिजली आ गई है और जैसे इन्होंने छुआ है इसको वैसे ही करंट लग के ये मर गए हैं। तो हमारा जो बॉक्स था ठीक हो चुका है, तो अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो आई थिंक 7 मिनट की हो गई है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे क्या होगा। और आपको अगर मेरा गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।